देश के जाने माने क्रिकेटर्स में से एक हार्दिक पांड्या को लेकर एक लंबे समय से चर्चाओं का दौर देखने को मिल रहा है और मौजूदा समय में उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर एक बड़ी खबर सामने, जिसमें बताया गया कि नताशा ने अब उन्हें धोखा दे दिया है। जिस धोखे के चलते अब हार्दिक पांड्या रोड पर आ जाएंगे और तरह तरह की खबरें तलाक को लेकर आ रही थी, लेकिन इसी कड़ी में अब हार्दिक पांड्या ने जो काम करके दिखाया है उसे जानकर आप भी कह सकते हैं कि ठुकरा के प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और हार्दिक पांड्या ने अब अपनी कमर कस ली है और नताशा को कहीं ना कहीं उन्होंने एक करारा जवाब भी दिया है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा की तलाक की खबरों हर किसी फैंस का दिल तोड़ दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद अब हार्दिक पांड्या ने हार नहीं मानी है और उन्होंने अब एक बड़ा कदम उठा लिया। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 से बाहर होने वाली पहली टीम थी। टीम के बाहर होने के साथ ही उसके कप्तान हार्दिक पांड्या लंदन चले गए। इस बीच उनके तलाक की खबरें भी लगातार आ रही थी। एकाएक हार्दिक पांड्या के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ रहे थे। हार्दिक ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया था। उधर अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 1 जून से हो रही है। हार्दिक को टूर्नामेंट के लिए भारत का उप कप्तान बनाया गया है और रोहित शर्मा समेत भारतीय टीम के खिलाड़ी 2 जत्थे में अमेरिका पहुंच चुके हैं। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया से जुड़ गए हैं और हार्दिक ने खुद सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर यह जानकारी दी है। हार्दिक ने ऑन नेशनल ड्यूटी कैप्शन के साथ अपनी फोटो शेयर की है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग सेशन में शामिल हुए हैं। उप कप्तान होने की वजह से हार्दिक लीडरशिप ग्रुप का भी हिस्सा है और उन्होंने बल्ले और गेंद के साथ फैसलों में भी योगदान देना होगा। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि हार्दिक पांड्या अब अपनी शादीशुदा जिंदगी से हटकर अब देश के लिए बड़ा कदम उठा चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने 7 महीनों से भारत के लिए कोई मुकाबला नहीं खेला था। वह आखिरी बार वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरे थे। उस मैच में टखना चोटिल होने की वजह से वो बाहर भी हो गए थे। हार्दिक पांड्या बैट और बॉल दोनों से फॉर्म में नहीं है, लेकिन सबके बावजूद आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए हार्दिक सुपर फ्लॉप भी रहे। बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ ही कप्तानी में भी वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्हें बड़ा झटका तब लगा जब हार्दिक पांड्या और नताशा के तलाक की खबरें सामने आई। पिछले कई दिनों से दोनों के तलाक की खबरें आ रही हैं, अभी तक दोनों ने इस पर रिएक्ट नहीं किया। नताशा ने अपने इंस्टाग्राम से पांड्या भी हटा दिया है।